खबर है मिर्जापुर से। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी का शहादत दिवस जिला कार्यालय लोहिया ट्रस्ट में मनाया और उनके चित्र पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं से शिक्षित संगठित होकर न्याय के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया गया। जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कहा, कार्यकर्ता पूर्व सांसद फूलन देवी के न्याय के लिए सदैव लड़ाई लड़ते रहेंगे। जातिवादी पुरुष प्रधान समाज से अन्याय अत्याचार को उखाड़ फेंकने के लिए वीरांगना फूलन देवी ने डटकर सामना किया। उन्होंने कहा कि सपा से सांसद बन शोषितों वंचितों पिछड़ों खासकर महिलाओं के हक के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने का काम किया। चौधरी ने कहा कि फूलन देवी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष शिव शंकर सिंह यादव ने कहा कि गरीबी से निकलकर मुकाम हासिल करने वाली फूलन देवी को सपा ने सम्मान दिया, जिससे वह दलितों गरीबों की आवाज बन गई। शहादत दिवस के अवसर पर मुख्य रूप से शिव शंकर सिंह यादव, आदर्श यादव, राम गोपाल बिंद और भी कई लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीपू सुल्तान। आज मिर्जापुर के पूर्व सांसद, समाजवादी पार्टी के पिछड़ों और दलितों के नेता आदरणीय फूलन देवी जी का आज निर्वाण दिवस है। हम लोग उनको नमन कर रहे थे, उनको याद करके उनके विचारों पर चलने का संकल्प ले रहे थे। कैसी महानेता जी ने इतना पीहड़ से निकल करके और लोकसभा पहुंचने का काम अगर किसी ने किया तो फूलन देवी ने किया। हमारे आदरणीय नेता जी आज हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने उनको जेल से निकाल करके और मिर्जापुर से चुनाव लड़ा करके उनको संसद में भेजने का काम किया। कुछ असामाजिक तत्वों ने उनकी हत्या की और उनकी हत्या नहीं, उनके विचारों की हत्या की गई। दलितों, गरीबों, मजलूमों की हत्या की गई। ऐसे नेता को आजाद करें,